नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल मॉम एंड आर्या। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। दोस्तों, जल्दी ही गणेश चतुर्थी आने वाली है और गणपति जी को मोदक बहुत ही पसंद है, तो क्यों ना इस बार हम घर पर ही मोदक बनाएं। आज मैं आपको घर पर ही कैसे आसान तरीके से मोदक बना सकते हैं और साथ ही साथ कैसे वो बहुत ही हेल्दी हो, ये दोनों चीजें बताऊंगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी है, इसे आखिरी तक जरूर देखें। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दीजिए। फ्रेंड्स, ऑर्गेनिक खाने की चीज़ों के इस्तेमाल से हम बीमारियों से बचे रहते हैं क्योंकि ये टॉक्सिन्स और पेस्टिसाइड्स फ्री होती हैं, ये बहुत ही हेल्दी रहती हैं। तो चलिए हम मोदक एक अलग तरीके से आज बनाना सीखते हैं। मोदक बनाने के लिए हम लेंगे भुनी हुई मूंग की दाल, जो कि हमने बिना ऑयल या घी के पहले से ही भून ली है, यानी कि रोस्ट कर ली है। मूंग बहुत ही हेल्दी और पावर पैक विद प्रोटीन होता है। साथ ही मीठे के लिए हम लेंगे पाम शुगर। पाम शुगर के ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो पहले ही बनाई है कि ये कहाँ से आता है और इसके क्या क्या फायदे हैं। लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे ज़रूर देखिए। इसके साथ ही हम लेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स जैसे कि काजू, कटे हुए बादाम, चिरौंजी, खरबूजे के बीज, पिस्ता कटी हुई, वाटरमेलन सीड्स, पिसी हुई इलायची, घी। घी मैंने बींग देसी कंपनी का लिया है, जो शुद्ध देसी गाय का घी है। और इसके साथ हम लेंगे दूध। हर इंग्रेडिएंट की एग्जैक्ट क्वांटिटी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। अब एक पैन लेंगे, पैन को गरम कर लेंगे। याद रखिएगा कि हमें फ्लेम बहुत हाई नहीं रखना है, लो टू मीडियम के बीच में ही रखना है। पैन जैसे ही गरम हो जाएगा, इसमें हम थोड़ा सा घी डालेंगे, 2 चम्मच के करीब, और जो हमारी दाल पहले से ही भुनी हुई थी या रोस्टेड थी, उसे हल्का सा कम आंच पर दोबारा भून लेंगे ताकि मूंग की दाल घी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। अब इसे चलाते रहें और धीरे धीरे इसे थोड़ा और भुनने दें। जैसे ही मूंग की दाल सारी घी एब्जॉर्ब कर लेगी, हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब उसी पैन को दोबारा गर्म करके उसमें हम दूध पकने के लिए डाल देंगे। जो भुनी हुई दाल हमने ठंडी होने के लिए रखी थी, अब उसे हम पीस लेंगे। पीसते हुए ध्यान रखिएगा कि हमें इसे बहुत ज्यादा मोटा नहीं पीसना है, थोड़ा बारीक पीसना है। अब इस पीसी हुई दाल को, जो दूध हमारा गर्म हो चुका है, उस दूध में पलट दीजिए। पलटने के बाद हम इसे धीरे धीरे चलाते रहेंगे। मूंग की दाल जैसे ही पकने लगेगी, ये थोड़ा गाढ़ी होती जाएगी। चम्मच की सहायता से आप इसे मिक्स करते रहें ताकि इसमें गांठें ना बन जाए। ध्यान रखिएगा, आपको इसको लगातार चलाते रहना है क्योंकि ये धीरे धीरे गाढ़ी होती जाएगी और इसमें गांठें भी नहीं बननी चाहिए। जब ये थोड़ा पक जाए तो आप इसमें 1 चम्मच के करीब दोबारा घी डाल दें और इसे चलाते रहें। कुछ इस तरीके से जब ये गाढ़ा हो जाए तो जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो एक एक करके आप इसमें मिक्स कर लीजिए। इस दौरान गैस की आंच कम रहनी चाहिए। ड्राई फ्रूट्स एक तो इसका टेस्ट बढ़ा देता है और दूसरी तरफ ड्राई फ्रूट्स बहुत ही हेल्दी होते हैं, जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हेल्दी होते हैं। साथ ही हम इसमें 1 चम्मच और घी डालेंगे और इसे भूनते रहेंगे। आखिरी में आप इसमें इलायची पाउडर मिला दीजिए।
और सबसे लास्ट में पाम शुगर मैंने यहाँ ऐड कर दिया है। आप चाहें तो पाम शुगर को पीस कर भी डाल सकती हैं, नहीं तो इसमें गुड़ का भी प्रयोग कर सकती हैं। पर कोशिश करें कि इसमें वाइट शुगर ना मिलाएं, क्योंकि वाइट शुगर बहुत ही प्रोसेस्ड होती है, जो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। पाम शुगर के यूज़ करने के क्या फ़ायदे हैं, मैंने अपनी पिछली वीडियो में डिटेल से बताया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसका लिंक देख सकते हैं। आप इसे कम आंच पर इसी तरीके से भूनते रहें और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा घी ऐड करें। ध्यान रखिए, एक साथ हमें बहुत सारा घी इसमें नहीं डालना है, क्योंकि हमें इसे कम घी में पकाना है, इसलिए हम इसमें बीच बीच में घी ऐड कर रहे हैं। अब हमारा ये मिक्सचर तैयार हो गया है। आप इसे एक बोल में पलट लें। बोल में पलटने के बाद इसे थोड़ा सा ठंडा होने दें। ये मोदक का साँचा है जो बाजार में इजीली अवेलेबल होता है। इस मोदक के साँचे में छोटे चम्मच की हेल्प से आप मूंग दाल की ये फिलिंग अच्छे से अंदर प्रेस करते हुए भर लें। आपको इसमें कुछ भी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसमें सांचे में फिलिंग भरें और इस तरीके से इसे ओपन करेंगी तो आपके सामने टेस्टी और खूबसूरत मोदक तैयार होंगे। इसी तरीके से आप वन बाय वन सांचे में मिक्सचर को फिल करके मोदक बना सकती हैं। तो देखा आपने, है ना मोदक बनाने का कितना आसान तरीका। दोस्तों, अगर आपके पास ये सांचा अवेलेबल नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से आप हाथ से भी इसको ये शेप दे सकती हैं। तो इस गणेश चतुर्थी के अवसर पर आप ये मोदक जरूर ट्राई कीजिए, ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ। हैप्पी